राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कान्हा जी के पास से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं बताऊंगी आपको जन्माष्टमी की पूजा विधि। शाम को 6-7 बजे आप लड्डू गोपाल की आरती कर लें, भोग लगवा दें, पूजा कर लें अच्छे से, और 6 से 7 के बीच में आप इस तरीके से एक कपड़ा ले लें, रेड कलर का हो तो अच्छा है, इस तरीके से लड्डू गोपाल को ढक दें इस तरीके से। और इस तरीके से ये रख के ऐसे पास में खीरा रख दें, और ये रहा एक सिक्का। और इसके बाद आप अपना काम कर लें, कुछ भी कर लें, भजन कर लें और खाना पीना जैसे भी है वो सब आप कर लें। उसके बाद इंतजार कर लें कि 12 बजे। 12 बजने के बाद जब 12 बज जाए, ठीक 12 बजे, आपने देखा होगा टीवी में भी बता देते हैं, वो जो कान्हा जी का जन्म होता है तो पता चल ही जाता है। तो 12 बजने पर आप इस तरीके से ताली बजाएं, ऐसे घंटी बजाएं, शंख बजाएं और भजन गाएं, और कान्हा जी की आंखों पे से इस तरीके से ये हटा दें, और इस तरीके से ये नाल होती है, बताया था मैंने यशोदा माता, और तो इसको इस तरीके से ये इस तरीके से माता यशोदा और ये नाल को इससे अलग कर देती है। मैंने बताया था ये बच्चे की नाल मतलब कान्हा जी का होता है। इस सिक्के को, इस खीरे को प्रसाद रूप में सब घर के लोग ग्रहण कर लें, और 12 बजे आप फिर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। तुलसा जी ले लें, और फूल ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि आप घर मैं सब लोग इसको घर में सब प्रसाद के रूप में लेती हैं, तो फूल कम डालें जिससे प्रसाद के रूप में ले सकें। तो ये मेरे गोपाल जी हैं, अब इनका हम करेंगे पंचामृत स्नान। इस तरीके से ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराएंगे, उनकी बर्थडे है तो ये देखिए। इस तरीके से इनको चमका देंगे। अब देंगे हम शुद्ध जल, ये देखिए। अब यहाँ हम कान्हा जी को तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि उनकी बर्थडे है। देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। पहले हम करेंगे रोली से टीका, तो चावल लगाएंगे इस तरीके से, और ये करेंगे हम चंदन से टीका। और वस्त्र रूपये कलाबार पर करेंगे, फिर ये हम दिखाएंगे। ये हम धूप दिखा देंगे। आरती कर देंगे बाल को। ये देखिए माखन मिश्री, सबसे पहले माखन मिश्री होती है, तो हम सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और जन्म हुआ है तो थोड़ा सा सेज चटा देंगे।
और ये मैगी पाक का जन्माष्टमी पे महत्व होता है तो मैगी पाक का भोग लगाएंगे, ये ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे और ये धनिया पंजीरी का महत्व होता है आज के दिन, धनिया पंजीरी का। तो ये देखिए ये सामग्री है। इसके बाद हमारी कान्हा जी की आरती हो गई है। अब जन्म लिया है तो सबसे पहले लाला को झुलाएंगे, देखिए इस तरीके से लाला को झुलाएंगे। बहुत से लोग झूले में ही रहने देते हैं रात को, लेकिन झूले में मैं नहीं सुनाऊंगी, इनको अलग से सुनाऊंगी। अभी मैं झूला झुला रही हूँ। ये हो गया हमारे कान्हा जी का जन्म। तो इस तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल का जन्म करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।